चलो ऐसा नहीं, यू हैव टू सॉल्व इट इन 20 सेकेंड और 30 सेकेंड्स। यू कैन टेक 1 to 1.5 मिनट्स और 2 मिनट्स इवन, बिकॉज अभी अपने लोग कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन कि अगर हाँ ऐसा 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड हो चुके हैं और आप रुको मत, प्लीज गिव इट अ ट्राई, कंटिन्यू ट्राइंग। देर आर 4 नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव है और ऑड है, तो 4 नंबर तो आप बड़े प्यार से लिख सकते हो। तो 4 नंबर्स आप ऐसे लिख लोगे एज N1, N2, N3, N4। क्या इनके बीच में कोई मिडिल नंबर है? इनके बीच में आएगा जो भी नंबर होगा, तो वो N2 और N3 के बीच में आएगा। अब आपको पता है ये नंबर्स ऑड है और एवरेज 18 है, तो 18 तो सेंटर पे ही आएगा, और ये जो नंबर्स के सेट है ये ऑड नंबर्स के सेट है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर वुड बी 19, द प्रीवियस ऑड नंबर वुड बी 17, उससे पहले वाला नंबर 15, आगे वाला नंबर 21। ये ऑड नंबर्स है ना। सेकेंड ऑड नंबर, द सेकेंड ऑड नंबर इज 17। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट। ऑल गुड, कोई डाउट इसमें? इसमें देखो यार, बहुत लोगों के रिस्पॉन्सेज नहीं आए, क्लियर है क्या? फॉलो कर पा रहे हो आप लोग? प्लीज बी ऑनेस्ट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क एवरीवन, दोज आर देयर इन द मीटिंग। चलो क्लियर है तो बस वाई टाइप करो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। देखो ये 2017 में पूछा गया, प्लीज गिव इट अ ट्राई। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, बट आई फील 2 मिनट बहुत ज्यादा है आपके लिए। ऑलराइट, 47। एक सेकेंड, देखो आप प्रगति, एक चीज है, सिंपल सी बात है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगर है आपके पास तो जो भी एवरेज होगा वो मिडिल में होगा। अब आप एक बार कोई भी सेट ऑफ ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स लिख लो, कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए। जैसे मैं 1, 3, 5, 7, 9 लिख रहा हूँ, आप बताओ सेंटर पे क्या है? सेंटर पे 5 है, मिडिल नंबर 5 है, तो ये एवरेज हो जा रहा है। मान लो मैं 9 हटा दूं, तो कोई सेंटर पे नंबर नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि 3 भी सेंटर पे नहीं है, 5 भी इनके सेंटर पे नहीं है, तो जो भी नंबर है वो 3 और 5 के बीच में आएगा। 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 4। कैसे चेक करना है? इन दोनों के बीच में गैप है 2 का, 2 को 2 से डिवाइड करो, जो भी गैप है उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो भी गैप आ रहा है। 2 से 2 को डिवाइड करो 1, तो +1 -1, 4। फॉलो करा क्या? क्लियर है? चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितने नंबर्स हैं? 13। आप मुझे बताओ सिर्फ एक लाइन पे 13 नंबर के सेंटर पे कौन सा नंबर होगा? 13 सेट ऑफ नंबर्स के लिए मिडिल नंबर कौन सा होगा?
नंबर एट द सेवेंथ पोजिशन. ग्रेट. तो भी अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं तो मैं एन सेवन से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूं. ठीक है, मुझे एन सेवन की वैल्यू चाहिए. व्हाट इज मीन? मीन का मतलब होता है एवरेज. मीन का मतलब होता है एवरेज, अरिथमेटिक मीन. एवरेज का दूसरा नाम इज अरिथमेटिक मीन और ऑफन नोन एज मीन. ठीक है, मुझे इन 13 नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है. वो एन सेवन की वैल्यू है और आपके पास गिवन है 39 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव. फर्स्ट फाइव का मतलब N3. जैसे मान लो N1, N2, N3, N4, N5, N6. फर्स्ट फाइव का एवरेज कौन सा नंबर होगा? आप मुझे बताओ, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव? द वैल्यू एट द थर्ड पोजिशन. 39 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव. तो N3 की वैल्यू एग्जैक्टली बन गई 39. अब ये कैसे सेट ऑफ नंबर्स है? ऑड है, तो गैप इनमें 2 का है. नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 41. नेक्स्ट नंबर इज 43. नेक्स्ट नंबर इज 45. एंड N7, द नंबर दैट वी आर लुकिंग आउट फॉर, इज 47. 47 इज द करेक्ट फिट. क्लियर है क्या एवरीवन? वंडरफुल, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. फॉलो कर पा रहे हो क्या ऑल ऑफ यू? क्लियर है क्या? देखो, ये 2017 में पूछा गया है, कॉन्सेप्ट है ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का. एक 2023 का भी क्वेश्चन है, वो भी आप ट्राई करो. एज ऑफ नाउ ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है. मैं अभी डेटा सफिशिएंसी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस सेगमेंट को ही हटा दे रहा हूँ. ठीक है, अभी अपने लोग सिर्फ इस पे काम करेंगे.